से आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस। आज मैं फिर से एक जनजाति को लेकर आई हूँ, ये है किसान जनजाति। किसान जनजाति ये भी सदान समुदाय के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि सदान के समुदाय के अंतर्गत सात जनजाति आती है, ठीक है, मैं शॉर्ट में बोलती हूँ। जैसे करमाली, ठीक है, करमाली हो गया, महली हो गया, किसान हो गया, बिरिसिया हो गया, चिक बराई हो गया और गोरहत हो गया। तो आज हम लोग जानेंगे उसमें से एक किसान जनजाति के बारे में। इसके पहले दो वीडियो के में पूरे सात जितने भी जनजाति हैं सबके बारे में मैंने बताया भी है। तो किसान जो जनजाति हैं ये अपने आप को नाग वंशों के वंशज मानते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जो अपने आप को नागवंशों के वंशज मानते हैं, तो वो है किसान जनजाति। एक तो ये हो गया, और इसी के कारण बोलिए चाय से नागेश्वर भी कहा जाता है। तो दूसरा हो गया कि इसे नागेश्वर भी कहा जाता है, ठीक है, और पांडव का भी वंशज इसे कहा जाता है। पांडव का वंश नागेश्वर और नागेशिया भी है, नागेशिया और पांडव का वंशज। तो इस ढंग से देख लीजिए, इसके उपनाम बोलिए या क्वेश्चन का रियाज करने का तरीका कि नागवंशों के वंशज से किसे जाना जाता है, या नागेश्वर किसे कहा जाता है, नागेशिया किसे कहा जाता है, पांडव का वंशज किसे कहा जाता है। ये तो हो गए, अब जानेंगे इसके टाइप के बारे में। तो टाइप में सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये सदान है, ठीक है, और सदान जो है समुदाय किस समूह के अंतर्गत जाएंगे, तो द्रव्यन, बताया ही था कि तीन तरह के समूह होते हैं, द्रव्यन, प्रोटोस्लाइन और स्लाइन, ठीक है। जो सदान के साथ संख्या होती है उसमें से करमाली जो है ऑस्ट्राइड में चले जाते हैं, और ये लोहरा, नहीं तो दोनों लोहा, तो लोहरा चल जाता है जाके प्रोटोस्लाइड में। बाकी जो पांच बसते हैं वो द्रव्यन समूह में आ जाते हैं। आगे ये भाषा क्या बोलेंगे, सदान है, सदानी भाषा बोलेंगे, और जितने भी सदान भाषा है वो चले जाते हैं भारूपिया भाषा। भारूपिया भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं, ये हो गया। अब इसका जानते हैं कि ये पैसा क्या है, मतलब इसका या कौन सा कार्य करते हैं। किसान है, बोलने से ही आ जाएगा कि ये खेती का काम करते हैं, तो ये खेती का काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा ये जंगलों से लकड़ी को भी काटते हैं, जंगलों की लकड़ी को भी काटते हैं, ये हो गया इनका पैसा। अब यहीं से काटने, डाली काटना से ही हम एक चीज विवाह में चलते हैं। तो विवाह में जो इसका वधू मूल्य है, वधू मूल्य जो इसका है वो है डाली कटारी। डाली को काटा है ना, तो इसका वधू मूल्य डाली कटारी नहीं, सिर्फ डाली है, इसका जो वधू मूल्य है डाली है। उसके बाद लगभग जो जाति में विवाह होती है यहाँ भी वही प्रचलित है, बहु विवाह प्रचलित है, आयोजित विवाह है, गोलहट है, ठीक है, सारे तरह के विवाह यहाँ भी होते हैं। तो उसे लिखना कोई जरूरी नहीं, कुछ डिफरेंट चीज हो तो वो लिखना ज्यादा जरूरी है। तो जान जाइए कि बहु विवाह हो, आयोजित विवाह हो, गोलहट विवाह हो, सब तरह के विवाह हो जाते हैं। हाँ, और पुनर्विवाह या विधवा विवाह है उसको क्या कहा जाता है, सगाई कहा जाता है। विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, इसमें एक ये चीज है। सगाई कहा जाता है। उसके बाद यदि पर्व त्योहार को ले लें तो इस लोग का भी सारा पर्व सभी जनजाति की तरह ही फेमस है, जैसे कि सरहुल, उसी तरह सब जितने होते हैं, सरहुल है, कर्मा है, नवाखानी है, हिंदू पर्व त्योहार भी मनाते हैं, दीपावली,
इस ढंग के इसके प्रमुख त्योहार है। हो गया, अब देखिए पर्व त्योहार भी हो गया। अब जो इसके प्रधान देवता कौन है, इसके जो प्रधान देवता है वो कहलाते हैं सिंगबोंगा। सिंगबोंगा लगभग बहुत सारी जनजाति है जिसके प्रधान देवता सिंगबोंगा है, और यही बोंगा से आ जाइए बेंगा कर दीजिए बैगा, तो ये किसान जाति का बैगा क्या हो जाएगा, पुजारी यानी धार्मिक पुजारी। धार्मिक पुजारी हो गए इसका बेगा। अब देखिए ये तो इतना आप जान गए, अब जो इसमें महत्वपूर्ण दो तीन फैक्ट है जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उसको मैं अलग तरह से बता देती हूँ। देखिए पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है भाई इसका जो पूछे जाते हैं, परीक्षा। परीक्षा परीक्षा वर्ड यानी आने से, परीक्षा वर्ड आने से क्या होता है, ये एग्जाम हो गया, ये परीक्षा बोलने से ये एग्जाम है, ठीक है एग्जाम। तो यहाँ क्या भाई किस चीज का जनजाति में एग्जाम है, यहाँ जो एग्जाम है वो विवाह का एग्जाम है। किसका एग्जाम है, विवाह का। क्या होता है कि लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं, लड़के से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता, सिंपल होता है, उसकी जाति के बारे में, उसके कुछ गोत्र के बारे में, तो कुछ सवाल जवाब लिया जाता है। यदि वो सवाल जवाब में पास कर गए तो उस घर में लड़की का रिश्ता तय हो जाता है, यानी कि लड़का से सवाल जवाब, लड़का से सवाल जवाब। क्वेश्चन बन सकता है कि किसान जनजाति में सवाल जवाब किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है लड़का से। हो गया, उसी तरह विवाह के और दूसरे फैक्ट है कि इसमें जो विवाह है दो, विवाह के अंतर्गत दो जनजाति दो जाति में बन जाते हैं, विवाह के अंतर्गत दो वर्ग में बन जाते हैं। क्या भाई, एक हो जाएगा तेलिया, दूसरा हो जाएगा सिंदूरिया। सिंदूरिया देखिए ऐसे ही तेलिया सिंदूरिया से ही पता चल जा रहा है, तेल यानी विवाह के समय जो वर्ग तेल से सिंदूर कर तेल लगा है, और जो मांग में भरने के लिए यहाँ सिंदूर लगा है, यानी ये मांग में भरने के लिए सिंदूर का प्रयोग करेंगे और ये तेल का प्रयोग करेंगे, तो यानी कि ये मांग में जो है तेल भरेंगे और ये भरेंगे सिंदूर, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट और है इसमें, एक और विवाह होता है चढ़ाऊ और गुरुवा। चढ़ाऊ विवाह जो है लड़की के घर बराती सांस के ले जाएंगे, है ना, और वहां जाकर के जो भी है शादी विवाह होगा लड़की के घर, और यहाँ क्या है लड़की के घर लड़की वाले आ जाएंगे 10-15 लोग से मिलके, तो सिंपल में कह सकते हैं लड़के के घर की शादी, और ये है लड़के के घर में बराती, जो भी नियम चलता आ रहा है कि बराती आएगा इस अंदर। तो ये जो तीनों इम्पोर्टेंट फैक्टर है, परीक्षा और ये तेलिया सिंदूरिया और ये चढ़ाऊ अगुरुआ, ये काफी इम्पोर्टेंट है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए। जय हिंद।